इसराइल और फिलिस्तीन में आरपार की जंग। हमास ने इसराइल पर बरसाए है रॉकेट। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने जवाब दिया है। हमास के ज्यादातर रॉकेट्स हवा में मार गिराए गए हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमास की तरफ से इसराइल पर रॉकेट की बरसात की गई है और इसी के साथ इसराइल और फिलिस्तीन में आरपार की जंग में एक बार फिर से इस जंग की शुरुआत तल्खी बढ़ गई है। तो ये देखिए इसराइल पर किस तरह से हमास की तरफ से रॉकेटों की बरसात की गई है। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने हालांकि इसराइल की तरफ से इस पर जवाब दिया है। हमास के ज्यादातर जो रॉकेट इसराइल की तरफ दागे गए। दो तस्वीरें देखिए आपके सामने। दावा यह है इसराइल का कि आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की वजह से हमास के ज्यादातर रॉकेट को हवा में ही मार गिराया गया। लेकिन एक बार फिर से आप समझिए और जानिए कि कैसे अब इसके बाद हमास और इसराइल के बीच में टेंशन काफी ज्यादा बढ़ गई। फिलिस्तीन इसराइल और इसराइल ने गाजा में फिर से भीषण स्ट्राइक किया है। इसराइली हमले में हमास के कई ठिकाने तबाह हुए हैं। रॉकेट हमलों के बाद भड़का इसराइल। रॉकेट से हमले हुए और उसके बाद इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की। हमास के कई ठिकानों को तबाह किए। ये तस्वीरें आप देखिए, इसराइल की तरफ से ये अटैक किया गया। रॉकेट हमलों के रिएक्शन में इसराइल ने ये जवाबी हमला किया है। हमास के कई ठिकाने तबाह हुए हैं। गाजा पट्टी में कुछ उग्रवादियों को निशाना बनाते हुए बड़े गाजा में इसराइल ने की स्ट्राइक। हमास के ठिकानों पर इसराइल का जोरदार हमला। इसराइल ने गाजा में भीषण सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया है। इसराइल की सेना ने गाजा पट्टी में इस्लामिक जिहाद संगठन के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इसके बाद से ही स्थिति बिगड़ गई है। इसराइल ने गाजा पट्टी में कुछ उग्रवादियों को निशाना बनाते हुए बड़े अटैक किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन हवाई हमलों में आतंकवादी समूह इस्लामिक जिहाद के 3 कमांडरों सहित कम से कम 21 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। ברצועת עזה וגובים מחיר יקר מארגוני הטרור. ואני רוצה לחזור ולומר, כל מי שפוגע בנו, כל מי ששולח טרור נגדנו, דמו בראשו. העיקרון הזה שכל מי שפוגע בנו... और देखिए इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर। हमास के हमलों को लेकर इसराइल में अलर्ट जारी कर दिया गया। इसराइली शहरों को टारगेट लगातार हमास की तरफ से किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हमास की तरफ से रॉकेट की बरसात इसराइल की तरफ की गई। और इन सब के बीच खबर ये कि तमाम अलग अलग इसराइली शहरों को टारगेट पर लिया जा रहा है हमास की तरफ से। हमास के हमलों को लेकर पूरे इसराइल में अलर्ट जारी कर दिया गया। और ये देखिए एयर रेड सायरन जो इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। पूरे इसराइल के अलग अलग शहरों में आवाज सायरन की गूंज सुनाई दे रही है। तो ये देखिए दो तस्वीरों के साथ दो बड़ी खबरें इस वक्त आपके सामने। इसराइल ने गाजा में एक बार फिर से भीषण स्ट्राइक की है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और आपको ये देखिए इस स्ट्राइक के बाद धुआं उठता हुआ साफ नजर आ रहा है। इजरायली शहरों को टारगेट लगातार हमास की तरफ से किया जा रहा है और इस पर इजरायल की तरफ से ना सिर्फ जवाब बल्कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से तमाम हमलों को नाकाम करने का दावा भी।